धमतरी जिले के भैंसबोट गांव में बीते दिनों शादी समारोह में चाकू मारकर दो लोगों की हत्या करने का मामला सामने आया, जिसमें दोनों युवकों की मौत हो गई। इस पूरे मामले को 5 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। ऐसे में अब पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। ऐसे में आरोपी खुले आसमान में बेखौफ होकर घूम रहा है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। भैंसबोट मर्डर हुआ था, जिसमें एक घराती एक बराती पक्ष की जान गई थी। अभी उसमें जो संदिग्ध है उनसे पूछताछ की जा रही है, अभी कार्रवाई की जाएगी। उसमें मिलने पे कई सस्पेक्ट है, उसमें बराती की तरफ से भी है, घराती की तरफ से भी है। बारी बारी से पूछताछ की जा रही है, जैसे जैसे लीड निकल के आ रही है उसमें और काम किया जा रहा है। फुटेज अभी उसके बारे में बता नहीं सकते हैं क्लियर हम लोग।